Yes, students, today I am starting with India's 20 government grants. We have done AS12. CA Inter में किया था. यहाँ पे हम सीखेंगे accounting for government grant. The only difference is, here we are going to follow only and only income approach, no capital approach, as we have done in AS12. So, अभी यहाँ पे कोई capital reserves देखने को नहीं मिलेगा India's 20 में. जैसे AS12 में capital reserves भी create होता था government grant पे. So, only and only income approach we will learn. हम सीखेंगे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ये वाले स्टैंडर्ड में, टाइप्स ऑफ ग्रांट सीखेंगे एंड टाइप्स ऑफ ग्रांट्स एंड देयर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ ग्रांट्स व्हिच आर कवर्ड बाय दिस स्टैंडर्ड एंड सर्टेन टाइप्स ऑफ ग्रांट व्हिच आर नॉट कवर्ड बाय दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. और साथ में हम लोग सीखेंगे रिफंड के बारे में. वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द रिफंड्स. नाउ मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट इज वेरी सिंपल. अनलाइक AS12 में तो मैं बोलता था, AS12 में तो मैं ये भी बोलता था नेशनल एंड इंटरनेशनल बॉडी अलोंग विद गवर्नमेंट, बट यहाँ पे एकदम क्लियर बोला हुआ है मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट का मतलब है. गवर्नमेंट का मतलब होता है लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और इंटरनेशनल गवर्नमेंट, दैट इज एनी गवर्नमेंट ऑफ फॉरेन कंट्री. इसमें वो लोकल और इंटरनेशनल बॉडीज नहीं दिया हुआ है, जैसे मैंने AS12 में बताया था ICAI, फिर WHO. नहीं, यहाँ पे गवर्नमेंट का मतलब है लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी इंटरनेशनल फॉरेन गवर्नमेंट. और मीनिंग ऑफ ग्रांट एकदम क्लियरली बोला हुआ है. ग्रांट का मतलब है फाइनेंशियल असिस्टेंस. अरे ग्रांट का मतलब है फाइनेंशियल असिस्टेंस, फाइनेंशियल हेल्प. हाँ, फाइनेंशियल हेल्प जो अपने को गवर्नमेंट के तरफ से मिलेगा, दैट विल बी प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट टू द कंपनीज. और कुछ कंडीशंस होगी, कंडीशंस के फुलफिलमेंट पे कुछ ना कुछ कंडीशंस जरूर उसके साथ अटैच होगी. सो कुछ कंडीशंस है. अच्छा, वी कैन ऑल्सो रिकॉग्नाइज ग्रांट एज अ टाइप ऑफ सब्सिडी. हम लोग ग्रांट को सब्सिडी के टाइप, इट्स अ टाइप ऑफ सब्सिडी. सी, ऑल सब्सिडीज आर नॉट ग्रांट्स. सारे सब्सिडीज ग्रांट्स नहीं होते. ऑल सब्सिडीज आर नॉट ग्रांट. सब्सिडीज लाइक टैक्स रिबेट, टैक्स हॉलीडे, एग्रीकल्चरल ग्रांट, ये टाइप की सब्सिडीज के लिए दूसरे स्टैंडर्ड्स हैं. जैसे एग्रीकल्चरल ग्रांट है वो इंडियाज 41 में डील होगा. सो ऑल सब्सिडीज विल नॉट बी कवर्ड अंडर दिस स्टैंडर्ड, बट सब्सिडीज आर ऑल्सो गवर्नमेंट ग्रांट. सो मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट में बता दिया मैंने. मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट का मतलब क्या है? लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और इंटरनेशनल या फॉरेन गवर्नमेंट. एंड ग्रांट का मतलब है फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू द कंपनीज अकॉर्डिंग टू फुलफिलमेंट ऑफ सर्टन कंडीशंस व्हिच विल बी अटैच्ड टू द ग्रांट. और हम लोग सब्सिडीज को भी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं. वी कैन ऑल्सो रिकॉग्नाइज ग्रांट एज अ टाइप ऑफ सब्सिडी. हम लोग एक ग्रांट को एज अ टाइप ऑफ सब्सिडी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं. इट्स अ सिंपल टॉपिक, नॉट एट ऑल डिफिकल्ट. तो हम लोग आगे बढ़ते हैं कवरेज पे. एक बार मीनिंग हो गया तो कवरेज पे. कवरेज में मैंने क्या दिया है? दो टाइप के ग्रांट्स देखने को मिलेंगे. नंबर वन इज मॉनेटरी ग्रांट्स एंड अंदर इज नॉन मॉनेटरी ग्रांट्स. मॉनेटरी ग्रांट्स का मतलब है पेड बाय गवर्नमेंट इन कैश एंड नॉन मॉनेटरी का मतलब है नॉट पेड बाय गवर्नमेंट इन कैश, अदर देन कैश. और पेड इन कैश में तीन डिवीजन है, ग्रांट्स फॉर एसेट्स, ग्रांट्स फॉर मीटिंग एक्सपेंस एंड ग्रांट्स फॉर सेटअप ऑफ बिजनेस. और नॉन मॉनेटरी ग्रांट्स में है फॉर एसेट्स एंड फॉरगिवेबल लोन्स. ये फॉरगिवेबल लोन्स है ना, ये न्यू कॉन्सेप्ट है. इसको मैंने इंपॉर्टेंट मार्क करवाया. चलो आगे बढ़ते हैं. तो मैं आगे ये बता रहा हूँ कि कुछ सब्सिडीज है जो इंडियस 20 कवर नहीं करता है. दैट इज ग्रांट्स रिलेटेड टू बायोलॉजिकल एसेट्स इंडियस 41 करेगा. टैक्स रिबेट, टैक्स डिडक्शन, एग्जम्पशन, टैक्स हॉलीडे, ये सब इंडियस 12 की बातें हैं. एंड गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन, दैट इज ओनरशिप इन एन एंटिटी, ये सब इंडियस 20 कवर नहीं करता, ये टाइप की सब्सिडीज. मेरा कॉन्सेप्ट नंबर 3 चल रहा है, रिकॉग्निशन ऑफ ग्रांट्स इन द बुक्स. कि मैं अकाउंटिंग कैसे करूँ, हाउ टू डू अकाउंटिंग. अकाउंटिंग के लिए दो व्यूज है. एक है कैश बेसिस. जो लोग ये मानते हैं कि गवर्नमेंट अनाउंस तो बहुत कुछ करते हैं लेकिन मिलता नहीं है, तो वो बोलते हैं मिलने पे ही रिकॉर्ड करना. और मैंने बोला प्रैक्टिकली आई ऑल्सो बिलीव इन दिस कि गवर्नमेंट का ग्रांट अनाउंसमेंट पे मत लो, एक्चुअली मिल जाए तब रिकॉर्ड करो. लेकिन
कुछ लोगों का व्यू पॉइंट ये है कि एक्रूअल बेसिस पे, खाली क्या है ना, एक तो जो ग्रांट से रिलेटेड कंडीशंस है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए और कलेक्शन की सर्टेनिटी होनी चाहिए कि जो ऑफिशियल ने अनाउंसमेंट किया है उसका पर्सनल असिस्टेंट पीए जो है हमारे बहुत जान पहचान का है या वो पॉलिटिशियन हमारे घर का ही है, 100% मिलेगा। ये सर्टेनिटी अगर होगी तो रिसीवेबल बेसिस पे भी ग्रांट, हम लोग रिसीवेबल बेसिस पे भी ग्रांट को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। अच्छा, इन प्रैक्टिकल लाइफ आई वुड ऑलवेज से, अगर तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, तुम्हारे पास कोई आता है और गवर्नमेंट ग्रांट के बारे में पूछता है तो प्रैक्टिकली तुमको कैश बेसिस ही फॉलो करना चाहिए कि मिल जाए तो रिकॉर्ड कर लेना, नहीं मिले तो मत रिकॉर्ड करना। ये रिसीवेबल बेसिस पे मत करना, ये खाली बुक्स में ही रहने दो। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की अगर बात करूँ तो रिकॉग्नाइज ऑन एक्रूअल बेसिस का भी, इफ एक्रूअल इफ कलेक्शन इज सर्टन, तो तुम बोलोगे ग्रांट रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट ग्रांट। लेकिन अगर कलेक्शन सर्टन नहीं है या स्पेसिफाइड कंडीशंस डाउटफुल है कि हम पूरी कर पाएंगे क्या नहीं कर पाएंगे, तो ग्रांट को रिकॉग्नाइज करना चाहिए कैश बेसिस पे और वो केस में एंट्री पास करनी चाहिए बैंक अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट ग्रांट। दोनों केस में सेकेंड एंट्री में गवर्नमेंट ग्रांट पीएनएल में जाए। सो इन प्रैक्टिकल लाइफ इट वुड बी बेटर टू फॉलो कैश बेसिस, यही मैं तुम लोगों को बोलना चाहता हूँ। मैं कॉन्सेप्ट 4 पे हूँ, उसमें पहले डील कर रहा हूँ मॉनेटरी ग्रांट से, क्योंकि हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था ग्रांट को, मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी। तो मैं बात कर रहा हूँ मॉनेटरी ग्रांट्स की। अगर मैं मॉनेटरी ग्रांट्स की बात करूँ तो मॉनेटरी ग्रांट्स में तीन इश्यूज थे, रिलेटेड टू एसेट, रिलेटेड टू एक्सपेंसेस और तीसरा अपन ने तीन इशू किए थे ना, देख लो, तीनों इशू रिलेटेड टू एसेट, रिलेटेड टू एक्सपेंसेस और वो रिलेटेड टू कॉन्ट्रीब्यूटर्स, वो जो था ना प्रमोशन, क्या था वो, गवर्नमेंट बिजनेस में देता है, हाँ, सेटअप ऑफ बिजनेस प्रोमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन बोलता था मैं, हाँ। तो पहले बात करते हैं रिलेटेड टू एसेट्स। तो रिलेटेड टू एसेट्स में दो केस मिलेंगे, डेप्रिशिएबल नॉन डेप्रिशिएबल, और डेप्रिशिएबल में दो केस वापस और बनते हैं, डिडक्शन फ्रॉम फिक्स्ड एसेट्स अप्रोच एंड डिफर्ड इनकम अप्रोच। डिडक्शन फ्रॉम फिक्स्ड एसेट्स अप्रोच सी एंटर में मैंने कराया है, मैं इसके लेक्चर्स अपलोड करके देता हूं तुमको। हाँ, डिफर्ड इनकम अप्रोच की बात करें, क्योंकि इनिशियल ईयर्स में तो डिडक्शन फ्रॉम फिक्स्ड एसेट्स अप्रोच था ही नहीं, बाद में उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। अगर डिफर्ड इनकम अप्रोच की बात करूँ तो तुमको एक बार याद दिला देता हूँ, मैंने फिक्स्ड एसेट्स खरीदा 100 रुपये का, एसेट साइड में आ गया, मेरे को ग्रांट मिला 30 रुपये का, तो मैं एंट्री पास करूँगा कैश बैंक टू डिफर्ड ग्रांट और ये डिफर्ड ग्रांट बैलेंस शीट में आएगा रिजर्व्स एंड सरप्लस में। अब ये फिक्स्ड एसेट्स की लाइफ अगर 5 साल है तो हर साल पीएनएल के डेबिट में डेप्रिशिएट होते जाएगा 20-20 रुपया, और ये ग्रांट को भी, क्योंकि एसएलएम बेसिस पे ये डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है, तो ग्रांट को भी एसएलएम बेसिस पे हम लोग पीएनएल के क्रेडिट में अमोर्टाइज कर देंगे डिवाइड बाय 5 ईयर्स 666 करके। सो दिस इज योर ट्रीटमेंट फॉर डिफर्ड ग्रांट अप्रोच। आई होप तुमको रिकैप हो गया होगा। पहली इनिशियल रिकॉग्निशन ऑन रिसिप्ट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट, मेरी एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिफर्ड ग्रांट, बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड में आई बी राइटिंग अंडर द हेड रिजर्व्स एंड सरप्लस, और फिर जब उसको मैं अमोर्टाइज करूंगा तो अमोर्टाइजेशन ऑफ डिफर्ड ग्रांट के लिए मेरी एंट्री आएगी डिफर्ड ग्रांट अकाउंट डेबिट, डिफर्ड ग्रांट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डिफर्ड ग्रांट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हाँ, अमोर्टाइजेशन, जो मेथड से तुम एसेट को डेप्रिशिएट करते हो वही मेथड। सो अगर एसेट को स्ट्रेट लाइन बेसिस पे किया है तो अमोर्टाइजेशन बाय एसएलएम, और अगर एसेट को रिड्यूसिंग बैलेंस से किया है तो अमोर्टाइजेशन भी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से होगा। सो अमोर्टाइजेशन बाय एसएलएम और आरबीएम, जो भी फॉलो किया ना एसएलएम या आरबीएम, फॉलोड बाय रिलेटेड एसेट फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन, आइदर बाय एसएलएम और आरबीएम,
followed by related asset. Followed by related asset for charging depreciation. अच्छा, अगर ये केस में इसमें रिफंड भी आ सकता है, अगर रिफंड आ गया, तो क्या करेंगे? अगर रिफंड आ गया, मैं यही एग्जांपल में बता देता हूं, अगर रिफंड आ गया तो क्या करेंगे? देखो, रिफंड के केस में क्या करेंगे, फिक्स्ड एसेट्स खरीद के रखा था 100 रुपीज का, 5 साल लाइफ है तो हर साल डेप्रिशिएट कर देंगे 5 साल तक, तो फिक्स्ड एसेट्स की अकाउंटिंग और उसके डेप्रिसिएशन का कोई इंपैक्ट आने वाला नहीं है, रिफंड पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। जब ग्रांट मिला तो एंट्री पास की, कैश बैंक टू डिफर्ड ग्रांट ही आ गया, डिफर्ड ग्रांट इधर। अब हर साल उसको अमोर्टाइज करेंगे बाय स्ट्रेट लाइन मेथड, क्योंकि एसेट को स्ट्रेट लाइन मेथड से हमने डेप्रिशिएट किया है। तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, अब फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर भी करना था, लेकिन है ना, थर्ड ईयर के एंड में, अमोर्टाइजेशन के बाद पता चला कि कुछ कंडीशंस ऑफ ग्रांट है जो हम लोग फेल कर चुके हैं, सो नाउ वी आर नॉट क्वालिफाइड। तो अगर हम क्वालिफाइड नहीं है तो अभी तक हम कितना अमोर्टाइज कर चुके हैं, हम लोग पीएनएल में ट्रांसफर कर चुके हैं 18 और डिफर्ड ग्रांट में बचा हुआ है बैलेंस खाली 12। तो अगर आप रिफंड करने को आता है तो जब ग्रांट मिला था तो जो एंट्री पास की थी ना, कैश बैंक टू डिफर्ड ग्रांट, यही एंट्री उल्टी करेंगे, लेकिन डिफर्ड ग्रांट में कितना है, खाली 12 बचा है, तो हम बोलेंगे डिफर्ड ग्रांट अकाउंट डेबिट 12 और बाकी मैं किधर ट्रांसफर कर चुका हूं, पीएनएल में, तो पीएनएल को भी उल्टा कर दो, पीएनएल अकाउंट डेबिट 18 टू कैश बैंक, 30। आई होप यू हैव रिमेंबर दिस, मैंने सी एंटर में भी पढ़ाया था ये सब, ये रिकैप हो गया तुम लोगों को, आई होप दिस इज रिकैप्ड। So this is the entry you are going to pass. If refund of grant take place, deferred grant account debit, unamortized part. मैंने जो 12 बताया था वो. Profit and loss account जो 18 हम PNL के credit में transfer कर चुके थे, उसको वापस से reverse की. And to bank account. This is the entry for refund of government grant. अब बात करते हैं non-depreciable asset की. See, non-depreciable asset में मैं example दूंगा land का, because land has got indefinite useful life, तो वो depreciate नहीं होती है. और ये एग्जांपल चल रहा है मॉनेटरी एसेट्स का, यहाँ पे गवर्नमेंट कैश देगी मेरे को एसेट खरीदने के लिए। लेट सपोज एक बैकवर्ड एरिया है, बैकवर्ड एरिया में गवर्नमेंट ने कुछ एक लैंड ऑक्शन की एंड वी परचेज दैट लैंड फॉर, हमने वो 10 लाख रुपए में वो जमीन खरीद ली, लेकिन वहां पे एक कंडीशन है, देयर इज अ कंडीशन कि गवर्नमेंट विल गिव 30% सब्सिडी, गवर्नमेंट सब्सिडी देगी 30%। सब्सिडी का क्या ट्रीटमेंट आएगा? दिस सब्सिडी आई एम गोइंग टू क्रेडिट टू पीएनएल इमीडिएटली, मैं पीएनएल में इमीडिएटली क्रेडिट कर दूंगा। क्यों क्यों इमीडिएटली कर दूंगा? द रीजन इज वेरी सिंपल, ये डेप्रिशिएबल एसेट नहीं है। सो बैकवर्ड एरिया में क्या, हम लोग जमीन खरीदते हैं, वहाँ पर डेवलपमेंट होता है, लोगों को रोजगार मिलता है, क्योंकि हम जमीन खरीद के ऐसे तो नहीं रख देंगे, वहाँ पे कुछ ना कुछ बिजनेस एक्टिविटी करेंगे। तो गवर्नमेंट ने बैकवर्ड एरिया में जो जमीन ऑक्शन की उस पर 30% सब्सिडी दी है, और ये पूरा सब्सिडी जो मेरे को मिला है मैं पीएनएल में क्रेडिट कर दूंगा। सिंपल रीजन एक ही है, देर इज नो लाइफ ऑफ एसेट। अगर एसेट की लाइफ होती ना, तो देखो पिछले केस में एसेट की लाइफ थी, जो भी मैंने प्लांट मशीनरी फर्नीचर जो भी एसेट मैंने खरीदा था वो डेप्रिशिएबल था, 5 साल अगर लाइफ है तो 5 साल तक वो पीएनएल में डेप्रिशिएट होगा, और 5 साल तक हम लोग वो जो ग्रांट का ग्रांट अपने को मिला था वो बैलेंस शीट में लिख के 5 साल में उसको अमोर्टाइज किया था। तो अगर एसेट की लाइफ ही नहीं है तो उसका अमोर्टाइजेशन सेम डेट को हो जाएगा, इट विल बी क्रेडिटेड टू पीएनएल इमीडिएटली। अच्छा, ये जो मैंने एग्जाम्पल दिया ना, उसमें कंडीशन, अगर मैं कंडीशन डाल दूँ, इफ द, ये जो मैंने केस दिया ना जमीन का, इसमें अगर मैं कंडीशन डालूँ दैट गवर्नमेंट ने कंडीशन ये रख दी है, ये जमीन ले लो 30% सब्सिडी देंगे, बट यू हैव टू स्टार्ट अ फैक्ट्री हियर। अगर तुम फैक्ट्री स्टार्ट करोगे तो ही तुमको ग्रांट मिलेगा,
तो ही ग्रांट अलाउड है। तो देख लो, पहले केस में कोई कंडीशन नहीं थी, जमीन खरीद लो 30% सब्सिडी मिल जाएगी। तो वो जो 30% ग्रांट मिला था उसको मैंने इमीडिएटली पीएनएल में क्रेडिट कर दिया। लेकिन अगर यही एग्जांपल में मैं थोड़ा सा माइनर चेंज करता हूं कि जमीन खरीदो लेकिन इस पर फैक्ट्री बना के फैक्ट्री स्टार्ट करनी पड़ेगी, तो ही गवर्नमेंट ग्रांट देगा तुमको, तो ही ग्रांट अलाउड है। तो यहां पे क्या है ना, यहां पे एक कंडीशन आ गई। सो इन दिस केस वो जो डिफर्ड ग्रांट है वो हम लोग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में लेके जाएंगे, और ओनली ऑन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन, जब तक कंडीशन फुलफिल नहीं होती है, जब तक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है, तब तक उसको अमोर्टाइज नहीं करेंगे। ऑन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन, जब फैक्ट्री बन जाएगी, शुरू हो जाएगी, उसके बाद ही उसको पीएनएल में क्रेडिट करेंगे। मतलब अगर नॉन डेप्रिशिएबल एसेट है और विदाउट एनी कंडीशन है, मेरा बोलने का मतलब यही है, इफ देर इज अ नॉन डेप्रिशिएबल एसेट विदाउट एनी कंडीशन, तो उसका अमोर्टाइजेशन इमीडिएटली हो जाएगा, एंट्री पास होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट ग्रांट एंड गवर्नमेंट ग्रांट टू पीएनएल, इनकम रिकॉग्नाइज इमीडिएटली। लेकिन इफ देर इज सम कंडीशन ऑन यूज ऑफ लैंड, वो जमीन के यूज पे अगर कोई कंडीशन डाल रखा है, तो फिर बोलेंगे बैंक अकाउंट डेबिट या गवर्नमेंट ग्रांट रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डिफर्ड ग्रांट, और अगली एंट्री डिफर्ड ग्रांट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस, ये एंट्री तभी पास होगी, इनकम विल बी रिकॉग्नाइज्ड ओनली आफ्टर फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशंस। खाली कंडीशन फुलफिल होगी तो ही अपने को इसको इनकम रिकॉग्नाइज करना है, नहीं तो नहीं करना है, अदरवाइज वी कैनॉट टेक इट एज अ इनकम। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। बोलो बच्चों, समझ में आया क्या? अगर मैंने जमीन खरीदी है, कोई कंडीशन नहीं है, बैंक अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट ग्रांट, डिफर्ड ग्रांट बोलू ही क्यों, एंड गवर्नमेंट ग्रांट टू पीएनएल, बैकवर्ड एरिया में जमीन खरीदने पे अगर सब्सिडी मिल रही है, अगर मेरे को सब्सिडी मिल रही है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट ग्रांट टू पीएनएल, लेकिन साथ में कंडीशन डाल दिया, बोले फैक्ट्री चालू करनी पड़ेगी तो सब्सिडी मिलेगी, तो फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू डिफर्ड ग्रांट, जिस दिन फैक्ट्री शुरू हो जाएगी, फैक्ट्री बनाने को टाइम भी लगेगा, फैक्ट्री चालू हो जाएगी, तब कंडीशन फुलफिल हो गई, तब बोलेंगे डिफर्ड ग्रांट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट, डिफर्ड ग्रांट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट। सी, इसके पहले वाले पार्ट में मैंने अभी तक क्या करवाया, सुन लो ना, मैंने तुम लोगों को ग्रांट फॉर नॉन डेप्रिशिएबल एसेट कराया, अगर कोई कंडीशन नहीं है तो एंट्री दे दी बैंक, और ग्रांट रिसीवेबल टू गवर्नमेंट ग्रांट एंड गवर्नमेंट ग्रांट टू पीएनएल, इनकम रिकॉग्नाइज इमीडिएटली, लेकिन कंडीशन है तो बैंक अकाउंट डेबिट और ग्रांट रिसीवेबल्स टू डिफर्ड ग्रांट, और जैसे जैसे कंडीशन सेटिस्फाई होती जाएगी डिफर्ड ग्रांट टू पीएनएल, और अगर रिफंड आया तो जितना डिफर्ड ग्रांट में पड़ा वो डिफर्ड ग्रांट को डेबिट कर दो, जितना पीएनएल में अमोर्टाइज कर चुके हो उसके लिए पीएनएल को रिवर्स करो एंड टू बैंक। ये मैंने समझा दी। अब मैं जा रहा हूँ मॉनेटरी के केस में, ग्रांट फॉर एक्सपेंसेस पे जा रहा हूँ, आई एम गोइंग फॉर ग्रांट फॉर एक्सपेंसेस, दैट इज पब्लिक सर्विस। सो सेकेंड केस ग्रांट फॉर एक्सपेंसेस, इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देख लो। ग्रांट फॉर एक्सपेंसेस का मतलब है पब्लिक सर्विस के लिए कोई खर्चा किया, पब्लिक सर्विस के लिए कोई खर्चा किया, गवर्नमेंट ने ग्रांट दिया है, मैंने तुमको एग्जांपल दिया, कोई भी पब्लिक की सेवा करनी है, पब्लिक को विंटर सीजन में शेल्टर बना के देना है, या गर्मियों के सीजन में गर्मी से बचाने के लिए भी शेल्टर देना पड़ता है। मुंबई में इतनी गर्मी नहीं पड़ती, बट दूसरे स्टेट्स है जहाँ पे भयंकर गर्मी पड़ती है, 50-50 डिग्री पे चला जाता है टेम्परेचर, तो उनको शेल्टर बना के देना है। गवर्नमेंट ने 20 लाख रुपया दिया, बोलो करो खर्चा, लेकिन कोई कंडीशन नहीं थी, कितने दिन तक, कितने महीने तक अपने को काम करते रहना पड़ेगा, कोई कंडीशन टाइम पीरियड नहीं, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट ग्रांट एंड गवर्नमेंट ग्रांट टू पीएनएल। तो ये पहला केस हो गया विदाउट एनी कंडीशन। लेकिन अगर गवर्नमेंट कोई कंडीशन लगाता है टाइम पीरियड के लिए, ये जो तुमको काम है 2 महीना 3 महीना 4 महीना या 2 साल 3 साल 4 साल तक करते रहना है, तो फिर बैंक टू डिफर्ड ग्रांट, 3 साल तक तुमको जो भी काम करो अच्छा काम करते रहना पड़ेगा। मैंने एग्जांपल दिया था रेनबैक्सी कंपनी गवर्नमेंट के बिहाफ में रिसर्च करेगी और कैंसर के लिए मेडिसिन निकालेगी, रिसर्च का काम 3 साल 4 साल 5 साल तक चलते रहेगा। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिफर्ड ग्रांट और 5 साल तक चल रहा है, तो हर साल डिफर्ड ग्रांट टू पीएनएल रिकॉग्नाइज इनकम। वो रिसर्च के लिए जो जो खर्चा लगेगा ना, जब जब खर्चा लगेगा रिसर्च का, तब तब वो जो ग्रांट का पैसा मिला है ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिफर्ड ग्रांट जो बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में गया है,
वो पहले दिन इनकम मत दिखा देना। जैसे जैसे रिसर्च के लिए खर्चा लगेगा वैसे वैसे डिफर्ड ग्रांट पीएनएल के लायबिलिटी साइड से पीएनएल के क्रेडिट में आएगी। तो रिकॉग्नाइज इनकम एज एंड व्हेन एक्सपेंसेस आर इनकर्ड। लेकिन मैंने पास्ट में कोई पब्लिक सर्विस के लिए काम कर लिया और ग्रांट आज मिला है मेरे को, तो फिर क्या डिफर करूंगा? देन देर इज नो डिफरमेंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट ग्रांट एंड गवर्नमेंट ग्रांट टू पीएनएल, इनकम रिकॉग्नाइज्ड इमीडिएटली। ये मेरा केस नंबर टू था, केस नंबर टू। अब मैं जाऊंगा केस नंबर थ्री पे, आई विल गो टू केस नंबर थ्री। सी ग्रांट फॉर न्यू सेटअप ऑफ बिजनेस प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन मैंने लिख के रखा है, लेकिन ये मैंने लिख के तो रखा है बट ये AS 12 में मेंशन था, INDAS 20 में ये वर्ड कहीं पे भी नहीं है, खाली तुमको याद दिलाने के लिए कि गवर्नमेंट ने मेरे को जमीन दी बैकवर्ड एरिया में, 50 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए, 50 करोड़ रुपए दिए। हाँ, मेरे जब बैकवर्ड एरिया में बिजनेस करने के लिए, जमीन तो नहीं दी, बैकवर्ड एरिया में बिजनेस करने के लिए गवर्नमेंट ने 50 करोड़ रुपए दिया, बोला अपना स्टील प्लांट शुरू करो इधर। मैंने तुमको एग्जाम्पल दिया था स्टील प्लांट का। मैंने पूछा कोई कंडीशन है, बोलते कोई कंडीशन नहीं, कोई कंडीशन नहीं है, फर्स्ट क्लास। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट ग्रांट, गवर्नमेंट ग्रांट टू पीएनएल, ये पूरा ग्रांट में सेम टू सेम डे पे पीएनएल के क्रेडिट में लिख दूंगा। लेकिन गवर्नमेंट बैकवर्ड एरिया में बिजनेस करने के लिए ग्रांट दे रहा है और बोलता है 5 साल तक बिजनेस करना पड़ेगा। अच्छा, कंडीशन लगा दी टाइम पीरियड की, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिफर्ड ग्रांट और 5 साल खत्म होने के बाद डिफर्ड ग्रांट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल, डिफर्ड ग्रांट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल। समझा कि नहीं? डिफर्ड ग्रांट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल ऑन कंप्लीशन ऑफ कंडीशन, कंडीशन पूरी होने के बाद, इमीडिएटली नहीं, इमीडिएटली नहीं। ये तीनों, ये तीसरा केस था अपना। सो मॉनिटरी नॉन मॉनिटरी ग्रांट्स, मॉनिटरी ग्रांट्स में अपन ने तीनों केस कर लिया, रिलेटेड टू एसेट जिसमें डेप्रिशिएबल नॉन डेप्रिशिएबल वाला पार्ट कर लिया, फिर रिलेटेड टू एक्सपेंसेस पब्लिक एक्सपेंसेस के लिए पब्लिक सर्विस के लिए खर्चा किया वो कवर कर लिया, एंड द थर्ड वन इज फॉर ग्रांट फॉर न्यू सेटअप ऑफ बिजनेस इन बैकवर्ड एरिया। विदाउट कंडीशन होगा तो इमीडिएटली इनकम रिकॉग्नाइज करो, विद कंडीशन होगा देन ऑन कंप्लीशन ऑफ मिनिमम स्पेसिफाइड पीरियड। सो इसमें क्या ना, अपना अपना आज का पूरा कवरेज हो गया, जितना मैंने टारगेट रखा था उतना कवरेज हो गया।